फाइनली जो हमारे सबसे पीछे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस कैसे हो आप लोग? आई थिंक सभी बहुत अच्छे हो गए और अच्छे ही रहना चाहिए। तो गाइस आज हम जा रहे हैं भाई मुरथल राइड में। मुरथल हम ये नहीं पता कौन सी जगह जा रहे हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं भाई यहाँ पे कूड़े के पहाड़ पे। देख सकते हो ये कूड़े का पहाड़ है। वो फाइनली ये सारे हमारे राइडर्स हो चुके हैं। तो भाई यहाँ पे एक बार लाइनअप चेक करो कैसा लाइनअप है भाई। यहाँ पे चेक कर रहे भाई हमारी गाड़ी, ये चेक करो भाई। भाई यहाँ से वहाँ तक अपना पूरा लाइनअप होने वाला खतरनाक, ये देख सकते हो। अरे भाई बढ़िया भाई, कैसे हो? तो भाई का हेलमेट देख रहे कितना मस्त लग रहा है। ये पूरा लाइनअप बनाया भाई स्कूटी और NS है। तो गाइस मिलते हैं, अब हमें चलते हैं और निकलते हैं। फिर आपको सिर्फ दो चार गाड़ियों से बचकर रहना होता है। अगर आपके पास 200 सीसी से मेरे पास सुन लो 200 सीसी से कम की गाड़ी है तो खासकर तीन चार कलर बता रहा हूँ, इन गाड़ियों से दूर रहना है। पहला हरे रंग की गाड़ी से, इस गाड़ी से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा क्योंकि हरे रंग की गाड़ी होती है बाप। फिर उसके बाद आती है भाई लाल रंग की गाड़ी जो कि है भाई दो आंखों वाली, वो और ज़्यादा खतरनाक रहती है। उसको बोलते हैं डी से नाम आता है उसका और उससे तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक गाड़ी है, वो सभी गाड़ियों का बाप है। फिर आती है भाई हमारे जैक भैया की डेविड पुत्रा 200 सीसी और इससे तो खासकर बच के रहना है। अगर इससे बच के नहीं रहोगे तो भाई फिर क्या बोलूँ मैं, तो समझ जाओ और बच जाओ। हाँ भाई साहब मजा आ गया वैन के, वो पार्क है वैन के रोडी वहाँ पे पार्क है, मैंने देखा ही नहीं अभी तक। ओहो तो अंकल लोग भाई दौड़ लगाने आते हैं, गाड़ी लेकर दौड़ लगाने आते हैं, मैं ये सोच रहा हूँ। चलो गाइस फाइनली इसके हम स्पीड टेस्ट करें, मैं अभी तो हम स्पीड टेस्ट नहीं करेंगे, जब हम स्पीड टेस्ट जब करेंगे इसका बाद में उसकी बैंड क्यों सूट गई यार, पैर दर्द होने लग गए। कल थाई मार ली थी ना बैंड के थोड़े, इसलिए बहुत ज़्यादा पैर दर्द हो रहे हैं मेरे। ओहो गाइस फाइनली मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा सुकून मिल रहा है। कल यार जिम में जाके ज़्यादा ही थाई मार ली तो उसकी वजह से ना पैरों में दर्द हो रहा है, इसलिए तब थोड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे। वैसे पैर लटका के तो मेरा कान पड़ गई थी, ऐसे चलाने में कोई बुराई नहीं है। स्कूटी में ज़्यादा सबसे बेस्ट है, वैन तो तालती पालती मार के बैठ जाओ, कैसे भी बैठ जाओ कोई दिक्कत ही नहीं है। बाइक में वैन के दोनों टांगे चौड़ी करके बैठना पड़ता है यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आओ ये कौन से भाई, ये है भाई बेटी और आओ ये चेक करो गाइस, ये चेक करो, सब चेक कर लो गाइस, सब कुछ चेक कर लो, कुछ मत छोड़ो। ओ भाई यहाँ पे खड़े दो डायनासोर देख सकते हो, उधर के साइड में आते टाइम दिखाऊंगा डायनासोर। अबे बहन के लोने फाइनल यार, अगर अपनी बात वो भाई यहाँ पे चल ले हिमालयन, मैं भी पहले हिमालयन लेने के सोच रहा था तो भाई बोल रहा स्लो चलाओ। ओ भाई तो यहाँ पे गया भाई G50 650, क्या कही थी भाई, बोले था इस। फाइनली हम पहुंच चुके हैं पहलवान, गाइस गाड़ी हमें अंदर लगानी है, पार्किंग अंदर की साइड में है और भाई पार्किंग है या बैंक है। बाइक यहीं लगानी है भाई हमें पार्किंग,
अच्छा यहीं लगानी है क्या? ऐसा लगानी है। हाँ थोड़ा पास में लगा देना। तो सो गाइस हम पहुंच चुके हैं, हमने पार्किंग को अपनी गाड़ी लगा दी, आधी गाड़ी अपनी यहाँ पर है और आधी गाड़ी उधर की साइड में, देखते हैं। फाइनली जो हमारे राइडर से पीछे रह गए तो वो ये रहे, सारे राइडर्स आ चुके हैं। पता नहीं कैसा चलाते हो भाई, भाई साहब आया भूसा वगैरह, एक से एक गाड़ी आ रही है भाई, पूरा लाइनअप चेक करो, खतरनाक लग रही है। और भाई हमारा पूरा ग्रुप आ चुका है, फाइनली भगा तो ऐसे रहे थे, सबसे आगे पहुंचाओगे सबसे पीछे रह गए तुम लोग। चलो अंदर खड़ी कर कराओ भाई। जो भाई ये वाला लगवाऊंगा मैं, पता कौन था। सो गाइस अब हम खा पी के सब कुछ आ चुके हैं बाहर, और ये सारे हमारे राइडर्स फ्रेंड है भाई, तो हम चलते हैं और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।